जय संत समाज, कैसे हैं आप सभी? मुझे पूरा विश्वास है आप सभी स्वस्थ होंगे, आपके परिवार स्वस्थ होगा, आपके पड़ोसी स्वस्थ होंगे, आपके रिश्तेदार स्वस्थ होंगे। और मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आज आपसे फिर मुलाकात करने का मौका मिला। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मैं फिर आज भी जिंदा हूँ। ये हमारा प्रतीक है कि हम एक दूसरे को मिलते हैं, तो हमें रोज़ाना जब हम नींद से जगते हैं तो आधी मृत्यु हमारी हो जाती है रोज़। तो पूर्ण मृत्यु किसे कहते हैं कि जब आदमी सदा के लिए सो जाता है, और अर्ध मृत्यु हमें एनर्जी देती है। तो आप सभी को, आपकी आत्मा को, आपके अंदर जो परमात्मा बैठा है उसको मेरा नमन है, आपके संयम को नमन है, आपके सहयोग को नमन है, आपके इंतज़ार को नमन है। तो आज का विषय हमारा, जो चर्चा का विषय रहेगा, वो बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही ज्वलंत रहेगा। आज का जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा भ्रष्टाचार। मैं भ्रष्टाचार करता हूँ, क्या आप भी भ्रष्टाचार करते हैं? मैं भ्रष्टाचार रोकना चाहता हूँ, क्या आप भी रोकना चाहते हैं? तो आज का जो विषय होगा हमारी चर्चा का, वो भ्रष्टाचार होगा। कैसे भ्रष्टाचार हमारे परिवारों को, हमारे देश को, हमारी सोच को, हमारी विचारधारा को कैसे खोखला कर रहा है ये भ्रष्टाचार। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं भ्रष्टाचार के ऊपर। मिश्रा जी, आपका भी धन्यवाद जुड़ने के लिए। दीपम बैनर्जी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप महसूस करके देखिए। बीके श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। कि भ्रष्टाचार हमारे देश में, हमारे सपनों में, हमारी जिंदगी में इस कदर छा गया है कि जिधर देखो उधर भ्रष्टाचार हो रहा है। तो ये एक ज्वलंत मुद्दा भी है, एक ज़रूरत भी है इस पर चर्चा करने की। मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ कि ये एक ऐसा मंच है जहाँ पर हम जीवन से जुड़ी समस्याओं का समाधान के लिए कोई ना कोई चर्चा करते हैं। तो रोज़ाना हम एक विषय उठाते हैं, उस विषय के ऊपर चर्चा करते हैं। तो आज का जो विषय है वो भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन हमारे आसपास, हमारे प्रशासन, सरकार, हमारे घर परिवार, और हमें किस तरीके से, किस कदर परेशान कर रहा है, नुकसान कर रहा है हमारा, वो आप महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आप भी इसी जीवन में रहते हैं, इसी धरती पर रहते हैं, इसी देश में रहते हैं, और आपके आसपास जो भ्रष्टाचार हो रहा है उससे आप रोज़ाना रूबरू होते हैं। भ्रष्टाचार की शुरुआत कब और कहाँ से हुई, ये मैं चर्चा करने की कोशिश करूँगा। उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया भी दें। मैं गलत हूँ तो मुझे गलत बताएं, ठीक हूँ तो मेरे को हाँ करें। एक भ्रष्टाचार की कहानी मैं छोटी सी आपको बताने का प्रयास करता हूँ, हो सकता है उससे आप समझ पाएं
महसूस कर पाए कि भ्रष्टाचार की जननी कहाँ पर रहती है। भ्रष्टाचार हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने जानकारों को कैसे सिखाते हैं और कैसे करते हैं, इस पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। तो एक छोटी सी कहानी मैं आपको शुरुआत करता हूँ। कहानी एक गांव की है, जिस गांव में 3 सरकारी स्कूल थे और 1 प्राइवेट स्कूल था, लेकिन सरकारी स्कूलों के अंदर तीनों स्कूलों को मिला करके उनकी जो संख्या थी वो मुश्किल से 30 छात्रों की थी, और प्राइवेट स्कूल जो एक था उसकी जो संख्या थी वो तकरीबन 1000 छात्रों की थी। तो कहीं ना कहीं तो भ्रष्टाचार हो ही रहा होगा जब सरकारी स्कूलों की छात्रों की संख्या इतनी कम और प्राइवेट स्कूलों की संख्या इतनी ज़्यादा। खैर, मुद्दे पर आते हैं कि स्कूल के अंदर एक फोटोग्राफी का सेशन शुरू किया, सारे बच्चों के फ़ोटो खिंचवाने थे, तो एक फोटोग्राफर को स्कूल में बुला लिया गया और उसको कहा गया कि आप सब बच्चों के फ़ोटो खींचें और आप कितने पैसे लेंगे एक कॉपी बनाने के फ़ोटो की। तो फोटोग्राफर ने बोला, जी मैं 40 रुपये प्रति कॉपी आपसे चार्ज करूँगा। तो जो उसका मालिक था, चेयरमैन था, वही हेडमास्टर भी था, तो उन्होंने उससे कन्वेंस किया, बार्गनिंग किया और 30 रुपये में उनका फिक्स हो गया। तो सारे स्कूल के बच्चों की फ़ोटो खिंचवा दिए और उन्होंने टीचरों को बुलाया। प्रिंसिपल साहब ने बोला कि कल हर बच्चा 50-50 रुपये अपने घर से लेके आए ताकि ये कॉपी हम उसको दे पाएँ फ़ोटो की। तो ठीक है, मास्टर सारे अपनी अपनी क्लासों में चले गए बच्चों को बताने के लिए। तो वहाँ पर उस टीचर ने बच्चों को बताया कि कल आपको अपने घर से 80-80 रुपये लेके आने हैं क्योंकि आपके फ़ोटो खींचे गए हैं और उस फ़ोटो की कॉपी आपने लेनी है, तो आपको 80 रुपये प्रति फ़ोटो के हिसाब से पैसे देने होंगे। खैर, बच्चे अपने घर चले गए। तो बच्चे ने अपनी माँ से बोला कि माताजी कल स्कूल में 100 रुपये देने हैं, हमारी फ़ोटोग्राफी हुई है और हमें फ़ोटो की एक एक कॉपी लेनी ज़रूरी है, उसके लिए हमसे स्कूल 100 रुपये चार्ज कर रहा है, आप हमें कल सुबह 100 रुपये देने की कृपा करें। ठीक है। अब जो बच्चे की मम्मी थी उसने बच्चे के पापा से बोला कि कल मेरे को बाकी जो खर्चा देते हो वो तो है ही है, लेकिन 150 रुपये अलग से दे देना क्योंकि बच्चे को स्कूल से अपनी फ़ोटो की एक कॉपी लेके आनी है। तो स्कूल वालों ने 150 रुपये मंगाए। अब जो घर का मुखिया है वो किसको बताए जा करके कि मेरे बच्चे को आज स्कूल ने 150 रुपये मंगाए हैं। तो अब भ्रष्टाचार कहाँ से हुआ? हम दोष देते हैं प्रशासन को, हम दोष देते हैं सरकारों को, हम दोष देते हैं हर सामाजिक संस्थाओं को, लेकिन कभी हमने अपनी तरफ झांक करके देखा है, अपने आप से पूछ करके देखा है
कि क्या मैं भ्रष्टाचार करता हूँ या नहीं करता हूँ, क्या मेरे घर में भ्रष्टाचार होता है नहीं होता है, क्या मेरे इर्द गिर्द जो माहौल है वहाँ पर भ्रष्टाचार होता है नहीं होता है, क्या मैं खुद कभी भी भ्रष्टाचार नहीं करता हूँ। तो जब ये ढेर सारे क्वेश्चन आप अपने आप से करेंगे तब आपको काफ़ी प्रश्नों के उत्तर खुद ब खुद मिल जाएंगे। जो कहानी मैंने आपको सुनाई इस कहानी के माध्यम से भी आप महसूस कर सकते हैं कहीं ये आपके घर में भी तो नहीं हो रहा ये भ्रष्टाचार, कहीं आपका बच्चा भी तो आपके साथ भ्रष्टाचार नहीं कर रहा है, कहीं आपकी पत्नी तो आपके साथ भ्रष्टाचार नहीं कर रही है। तो ये भ्रष्टाचार जो शब्द है ये हमारी सोच में बस गया है, और जब हमारी सोच में भ्रष्टाचार बस गया है तो इसको निकालना बड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, बिल्कुल नामुमकिन। इस दुनिया में कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आपको भ्रष्टाचार को अगर मिटाना है तो पहल अपने आप से करनी पड़ेगी, अपने घर से करनी पड़ेगी, अपने आसपास के माहौल से करनी पड़ेगी, क्योंकि भ्रष्टाचार हमारी सोच में बस गया है। भ्रष्टाचार के बगैर हमें शांति नहीं मिलती, हमें रोटी नहीं पचती भ्रष्टाचार के बगैर। तो ये जो सोच है हमारी भ्रष्टाचार से लड़ने की, बहुत मैंने देखे हैं, बहुत लोग आंदोलन करते हैं, उसका रिजल्ट क्या निकलता है? क्योंकि भ्रष्टाचार का आंदोलन भी भ्रष्टाचार के लिए ऐसा हमें देखने को मिला है। भ्रष्टाचार खत्म करने के ठेकेदार ही भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं। तो ये एक गंभीर समस्या है, गंभीर विषय है, हम सबको इस पर सोचने का ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है, सबसे पहले अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है। जब हम सुधरेंगे तो देश सुधरेगा, दुनिया सुधरेगी। तो भ्रष्टाचार का नाम आते ही हर व्यक्ति बड़ा अग्रेसिव हो जाता है। इलेक्शन के दौरान नेताओं से लोग 500-500 1000-1000 रुपए लेते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि वो नेता ईमानदारी से काम करे। हम पैसे के लिए नेता चुनते हैं, ना कि उसकी कार्य क्षमता और उसकी ईमानदारी को देख करके। तो भ्रष्टाचार हमने शुरू किया। भ्रष्टाचार का जन्म कहाँ से हुआ मैंने उसको समझाने की आपको कोशिश करी है। भ्रष्टाचार हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे बच्चों से, हमारे अपने आप से शुरू होता है। जिस दिन हम भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की ठान लेंगे उस दिन भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। मैंने पीछे एक जिक्र किया था कि ये रायचंदों का देश है, यहाँ पर राय देने वालों की लाइन लग जाएगी, प्रवचन देने वालों की लाइन लग जाएगी, लेकिन काम करने वालों की लाइन नहीं लगेगी। मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ संतों की हत्या को लेकर के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये मार दो, ये काट दो, ये कर दो, एक हो जाओ, फलाना कर दो, लेकिन किसी संस्था ने ये पहल की है कि हम इसकी जड़ पर काम करें? केवल फांसी की सजा देने से, केवल उस रोग को जो रोग पनप चुका है हमारी विचारधारा के अंदर, उस रोग को हमने जड़ से उखाड़ करके फेंकना पड़ेगा। हम ऊपर ऊपर से बात करेंगे, ऊपर ऊपर से काम करेंगे, कुछ नहीं होने वाला। आज आप 2-10-20-50 लोगों को फांसी की सजा दिलवा देते हो,
उसके बाद फिर हजारों लाखों लोग तैयार हैं अपराध करने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए। आज आप जेलों के अंदर जाकर के देखिए, हर चीज वहां पर मिलती है कई गुना रेट पर। भ्रष्टाचार हमारी सोच के अंदर है, हमारी विचारधारा के अंदर है, और अगर हम नहीं सुधरे तो हमारे आने वाली नस्लें भ्रष्टाचार से इतनी लिप्त होंगी कि हमें सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। तो हमको उठने की, जागने की जरूरत है। पहल हम कितने बड़े बड़े दावे करते हैं कि सेना बहादुर लड़ाकू रक्षक सारे पैदा हों, लेकिन हमारे घर में एक भी पैदा ना हो, पड़ोसी के घर में पैदा हो। क्या ऐसा हो सकता है? हमें अपने धर्म की, अपने घर की, अपने समाज की, अपनी संस्कृति की, अपनी सभ्यता की रक्षा खुद करनी पड़ेगी। हमें ये इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि पड़ोस में पैदा हो रक्षा करने वाला। हम तो सिर्फ देखें और सलाह दें। आज हमारे देश के अंदर वही हो रहा है। कोई भी किसी भी तरीके का कांड हो जाता है देश के अंदर, तब कुकुर मुत्ते की तरह बहुत संगठन बाहर निकल के आते हैं, फांसी दे दो, ये कर दो, जागो, उठो, फलाना ढिमका। व्हाट इज द नॉनसेंस? आपको हर समय अलर्ट रहने की जरूरत है। क्या आप जब सांप आपको काट लेता है उसके बाद इलाज करते हैं, या आप सांप काटने से पहले ही चौकन्ने रहते हैं? तो हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। हमें केवल घटना का इंतजार नहीं करना, हमें घटना से पहले ही, घटना हो ही ना, हमें ऐसे कार्य करने पड़ेंगे, ऐसी विचारधारा करनी पड़ेगी, ऐसे बदलना पड़ेगा अपने आप को। अपने आने वाली नस्लों को हमें इसी तरीके से बदलना पड़ेगा, ऐसी शिक्षा देनी पड़ेगी। हमने अपनी आने वाली नस्लों को डरपोक कायर बनाने का ठेका ले रखा है। अपनी औलाद के सबसे बड़े अगर कोई दुश्मन है तो हम खुद हैं। कहीं बहादुरी की बात आती है, कहीं देशभक्ति की बात आती है, तो हम अपने बच्चे को अंदर लेके जाते हैं, छुपा देते हैं, ये हमारा काम नहीं है, फलाने का लड़का है, फलाने का बच्चा है, वो आवाज़ उठाएगा। नहीं, आपको आवाज़ उठानी। जब आप उठाएंगे तो आपकी औलाद उठाएगी। ये देश आपका है, ये ज़मीन आपकी है, ये संस्कृति आपकी है, कोई दूसरा नहीं आएगा आपको बचाने के लिए, आपको खुद बचना पड़ेगा। संतों को पीट पीट करके मार दिया जाता है, किसान आत्महत्या कर लेता है, मजदूर हजारों किलोमीटर पैदल चल रहा है, ये शर्म की बात है हमारे देश के लिए। आप हम जो भी जिससे जैसी सहायता बन पर हो पा रही है वो कर रहे हैं, लेकिन सरकारें हजारों लाखों करोड़ के घोषणाएं हो रही हैं, लेकिन क्या भूखे तक रोटी पहुंच पा रही है? सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। तो आपको जब आप खुद जगेंगे तब आप भ्रष्टाचार का खात्मा कर सकते हैं। एक कृष्ण जी ने धर्म का युद्ध लड़वा दिया था, एक व्यक्ति अगर जगता है वो लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। एक व्यक्ति अगर कायरता करता है तो करोड़ों लोग कायर बन जाते हैं। तो आपने जगना है अपने लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए, अपने देश के लिए, अपनी सभ्यता संस्कृति के लिए। खैर, बहुत ज़्यादा बोझिल बातें मैंने कर दी, तो चलो आपको एक हल्का माहौल करता हूँ, अपने भारत की टेंडेंसी के बारे में चर्चा करता हूँ। ये हमारे देश में हमारी क्या टेंडेंसी होती है? एक केकड़े आप जानते हैं,
एक केकड़ों का सम्मेलन बुलाया गया अमेरिका के अंदर, सारे देश के केकड़ों को वहां पर आमंत्रित किया गया। ये केकड़ा शब्द मैंने इंसान के लिए रखा है, इंसान कहूंगा तो लोगों को बुरा लगेगा। केकड़ों का एक सम्मेलन बुलाया गया और केकड़ों का सम्मेलन अमेरिका के अंदर रखा गया और सारे विश्व के देशों में केकड़ों के पास निमंत्रण पत्र भेजा गया कि आप सब केकड़ों के महासम्मेलन में आमंत्रित हैं, आप आएं और अपने विचार रखें। तो हर देश के केकड़े इकट्ठे होने लगे और अपने कोई जहाज़ों में बैठ के, कोई जैसी भी जिसके पास सुविधाएं थी वैसे अमेरिका पहुंचने लगे। तो भारत से भी एक जहाज उड़ा, उसके अंदर भारत के केकड़े भी एक डलिया के अंदर रखे हुए थे, और देशों के भी केकड़े थे। तो भारत के जिस टोकरी के अंदर केकड़े थे उसका ढक्कन खुल गया, बाकी सब बंद थे। भारत की टोकरी की जिसमें केकड़े थे उसका ढक्कन खुल गया। तो वहाँ पर जो जहाज का स्टाफ था वो जल्दी से आया, वो बोला जी ये ढक्कन लगाइए, ये केकड़े बाहर निकल जाएंगे। तो जो व्यक्ति केकड़ों को लेके जा रहा था उस सम्मेलन में, वो बोला जहाज के कैप्टन से, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये हिंदुस्तान के केकड़े हैं, हिंदुस्तान का एक भी केकड़ा टोकरी से बाहर नहीं आ सकता। बड़ा हैरान हुआ कि केकड़े का तो नेचर है बाहर निकलने का, घूमने का, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसी क्या दवाई है जो केकड़ों को पिला दी जाती है कि एक भी केकड़ा टोकरी से बाहर नहीं आएगा। तो उस हिंदुस्तानी ने उस कैप्टन को क्या जवाब दिया कि हिंदुस्तान का केकड़ा अगर एक निकलने की कोशिश करेगा तो बाकी केकड़े उसकी टांग पकड़ के नीचे खींच लेंगे। एक व्यक्ति भ्रष्टाचार से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो दूसरों को देख करके वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है, नहीं उसको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं एक और कहानी आपको सुनाता हूँ, मेरी याद आ गई, मेरे ध्यान में आ गई। एक राजा था, उस राज्य के अंदर दो कुएं थे, एक राजघराने के लिए जिसमें राजा और उसका परिवार पानी पीता था, और एक कुआ था प्रजा के लिए जिसमें सारी प्रजा पानी पीती थी। एक बार एक कोई सरफिरा व्यक्ति उस गांव में आया और कोई ऐसी जड़ी बूटी या दवाई उसमें डाल दी कुएं में जो जनता का कुआ था, कि सारे के जो उसको पानी पिएगा वो पागल हो जाएगा। तो अब जैसे जैसे जिस जिसने कुएं से पानी लेके गए पिया तो वो पागल होना शुरू हो गया। शाम तक पूरा प्रजा, जो देश की प्रजा थी, सारी पागल हो गई। अब केवल राजा बचा। अब राजा उनको कैसे समझा सकता है कि तुम पागल हो गए। शाम तक ये हवा फैला दी उन्होंने जो पागल हो गई थी प्रजा, क्योंकि राजा उनसे विपरीत बात करता था, वो विपरीत बात करते थे। तो राजा को भी ये कह दिया प्रजा ने, एक हमारे देश का राजा पागल हो गया। अब राजा को बड़ी पीड़ा हुई, बड़ी समस्या हुई कि ये सारे पागल हो गए हैं और अगर मैं इन पे राज करना चाहता हूँ तो मुझे भी इनके जैसा होना पड़ेगा, नहीं तो ये मार देंगे।
राजा की मजबूरी हो गई कि राजा ने भी पानी वहाँ से मंगाया और पिया, और राजा भी पागल हो गया। शाम को जनता ने बड़ा, रात को बड़ा तगड़ा जश्न मनाया कि हमारा राजा ठीक हो गया। वही स्थिति हमारे आपके साथ हो रही है। भ्रष्टाचारी ज्यादा हैं और भ्रष्टाचार रोकने वाले कम हैं, तो वो थक जाते हैं, हार जाते हैं, कहते हैं कि मैं भी भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता हूं। लेकिन नहीं, आपने देखा होगा किसी भी आवाज को उठाने के लिए एक व्यक्ति ही काफी है। आप, मैंने पहले भी कहा है और आज फिर कहता हूं कि आप स्वयं ताकतवर हैं। आत्मा सो परमात्मा, जो आत्मा आपके अंदर बसती है वो परमात्मा से कम नहीं है। और जब आपकी आत्मा कोई अच्छाई के लिए आवाज उठाती है तो आप उसको दबाएं नहीं, ढूंढना शुरू करें कि भ्रष्टाचार हमारे घर में कहां से हो रहा है, हमारे घर में कौन कर रहा है। जब आप ये प्रश्न लेके ढूंढेंगे तो पता चलेगा कि आप सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त, घर का मुखिया सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करता है और मुखिया से ही परिवार सीखता है। बड़े गर्व से कहता है आदमी, अंदर लेटा रहता है अपने बेडरूम के अंदर, कोई बाहर से पूछने के लिए आता है तो बच्चे से कहता है, बोल दे मैं घर पे नहीं हूं। क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? क्या केवल पैसों के लिए भ्रष्टाचार होता है? क्या किसी से मिलना ये ना मिलना ये भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं आता? तो भ्रष्टाचार हम सबसे ज्यादा करते हैं और अपने बच्चों को झूठ बोलना हम खुद सिखाते हैं। अगर हम ईमानदार हो जाएंगे, हम सच बोलना शुरू कर देंगे तो हमारे बच्चे, हमारी आने वाली नस्लें बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलेंगे। तो भ्रष्टाचार का मुद्दा, भ्रष्टाचार की बात कोई आज की नहीं है, सदियों से होता आ रहा है। और जब अति हो जाती है तो कोई अवतार पुरुष जन्म लेता है, वो उसका नाश करता है। जैसे आपने त्रेता युग में देखा, द्वापर युग में देखा, सतयुग में देखा, अब कलयुग की बात। अति किसी भी चीज की जब अति हो जाती है तब उस पर संज्ञान लिया जाता है। आज जैसे संतों की हत्याओं की अति हो रही है, चारों तरफ संतों को मारा काटा जा रहा है, उनके आश्रम, उनकी कुटिया, उन पे नजर रखी जा रही है भूमाफियाओं द्वारा। संतों को बिल्कुल भी सम्मान नहीं मिल रहा है सरकार के द्वारा, और संत सुरक्षा मिशन ने एक साल पहले ये आवाज़ उठाई और आज मुझे सुकून है, शुक्र है, आज से पहले किसी संस्था ने संतों की बात नहीं रखी। आज संत सुरक्षा मिशन के कई लोग निकल करके संत सुरक्षा मिशन से ही पदाधिकारी अलग होकर के और संतों की ये हत्या के लिए आवाज़ उठा रहे, संतों की रक्षा सुरक्षा के लिए काम करना शुरू कर रहे हैं। तो आपको जगना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, खुद से सवाल जवाब करने पड़ेंगे, तब हमारे देश की, हमारी संस्कृति की और हमारी सभ्यता की रक्षा हो सकती है। हमारा देश भ्रष्टाचार से मुक्त बन सकता है। बड़ी ही इंटरेस्टिंग एक बात याद आ गई, एक खबर आई थी कि बिल क्लिंटन का हाथ टूट गया, राष्ट्रपति पद पे रहा, उसके बाद वो नॉर्मल जिंदगी जीते हैं वहाँ पे जहाँ भ्रष्टाचार नहीं होता। हमारे यहाँ तो एक बार कोई नेता बन जाए उसकी सात पुश्तें बैठ करके खाती है, इतना वो भ्रष्टाचार करके इकट्ठा कर लेता है। तो बिल क्लिंटन का हाथ टूट गया, कैसे टूट गया?
जब इसका पता लगाने की कोशिश की तो बिल क्लिंटन अपने घर की बिजली का बिल जमा करने के लिए साइकिल से जा रहा था और साइकिल फिसल गई और उसका हाथ टूट गया। क्या भारत में ये पॉसिबल है? एक राष्ट्रपति रिटायर होने के बाद, राष्ट्रपति पद को छोड़ने के बाद इस तरीके की जिंदगी जीता है क्या? एक प्रधानमंत्री रिटायर होने के बाद इस तरीके की जिंदगी जीता है क्या? वो जिंदगी भर के लिए पेंशनधारी हो जाता है, वो जिंदगी भर के लिए सिक्योरिटी का अधिकारी हो जाता है, वो जिंदगी भर के लिए सरकारी मेहमान हो जाता है। देश कहाँ जाएगा? जीतते ही सिक्योरिटी लगा दी जाती है। क्या हो रहा है? जब आप ठीक काम कर रहे हो तो आपको खतरा किसका, किससे खतरा है आपको? शुक्र है ये लाल बत्ती का फैशन खत्म हो गया, नहीं तो लाल बत्ती के लिए लोग अपने रौब दिखाने के लिए पता नहीं क्या क्या करते। तो धीरे धीरे करके अगर हम चाहें आवाज उठाएं तो ये सारी चीजें, आज लाखों रुपए पेंशन लेते हैं, लाखों रुपए राज करने वाले, और 10 बार अगर वो एमपी एमएलए या किसी पद पर रहा है तो उसको 10 बार की पेंशन मिलेगी। क्या वो क्या खाने लगा? किसी पद पर रह लिया तो वो सोने के टुकड़े खाता है? क्यों इतनी पेंशन मिलती है? और गरीबों को पैदल जाना पड़ रहा है, उनके लिए किसी को ये ख्याल नहीं आता कि इनको एक बस करके दे दी जाए, इनको ट्रेन में भेज दिया जाए। ये बड़ी शर्म की बात। गरीब आदमी जिसको किसान कहते हैं, आज मुझे बड़ा फक्र हो रहा है किसान की बात करते हुए कि किसान जगह जगह, जो मजदूर प्रवासी जा रहे हैं पैदल, किसान जगह जगह उनको खाना दे रहे हैं। जिस गांव से निकल करके जाते हैं उन गांवों में उनको खाना खिलाया जा रहा है। और पैसे वाले जो प्रशासक अपने आप को मानते हैं, रक्षक जो मानते हैं, वो लात मार रहे हैं। पुलिस वालों, आप भी किसी के बेटे बेटी हो, आप रक्षक हो, इनसे ही आपको तनख्वाह मिलती है। मैंने कितनी फोटो मेरे पास लोगों ने भेजी हैं जिनमें पुलिस वाले दुर्व्यवहार कर रहे हैं प्रवासी मजदूरों के साथ जो सड़कों पर चल रहे हैं, उनमें डंडा मार रहे हैं। इस कदर इंसान इंसान का इतना बड़ा दुश्मन हो गया। आप अपराधियों के लिए तो, अपराधियों के सामने तो जब पत्थर मारते हैं आप भाग जाते हो, और आज एक लाचार दुखी भूखा व्यक्ति अगर जा रहा है अपने परिवार को लेकर के 1000 किलोमीटर पैदल, उसको लात और डंडों से पीटा जा रहा है। ये कैसी दुनिया में हम लोग जी रहे हैं? हमारे देश के लिए शर्म की बात है, हमारी सभ्यता के लिए शर्म की बात है। तो इन विषयों को देख करके बड़ा मन दुखी होता है। ये भ्रष्टाचार का हिस्सा है, ये भ्रष्टाचार हो रहा है। प्रशासन को समझना चाहिए, प्रशासन को इन मजदूरों की हेल्प करनी चाहिए, पुलिस को ये कोशिश करनी चाहिए कि कोई गाड़ी, कोई ट्रक, कोई सवारी जो जा रही है उस दिशा की तरफ, उसको रुकवा करके उन मजदूरों को बिठाना चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए, कि उनमें लात घूसे मारने चाहिए, उनको डंडे से पीटना चाहिए। ये कहीं ना कहीं आपको एक दिन लौट करके आएगी आपके साथ। आप अगर किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, एक दिन आपके साथ भी बुरा व्यवहार होगा। ये हमारी संस्कृति कहती है, ये हमारे ऋषि मुनि लिख करके गए हैं, हमारे शास्त्रों में लिख करके गए हैं हमारे ऋषि मुनि। तो हमें संभलने की, सम्मान करने की। अरे आप चल के देखो 1000 किलोमीटर पैदल, आपको पता लग जाएगा
आप तो आपको थोड़ी सी पावर क्या मिल गई, आप तो खुदा बन गए, भगवान बन गए, डिक्टेटर बन गए। अरे वो भी इंसान है, उसको भी जीने का अधिकार है, उसको भी, उसने भी ये सड़कें बनाई हैं, उसकी मेहनत मजदूरी पसीने की कमाई से ही हम और आप रोटी खा रहे हैं। मजदूर सबसे ज़्यादा देश को चलाने के लिए काम करता है, आप हम क्या करते हैं? उसके ऊपर मुझे एक कहानी याद आ गई। एक चींटी थी, वो चींटी निरंतर अपना काम कर रही थी, क्योंकि चींटी का नेचर आपने देखा होगा कि वो ना रुकती है ना थकती है और निरंतर चलती रहती है, निरंतर काम करती है। और सबके लिए काम करती है चींटी, हमेशा संग्रह करती है। और जब वो संग्रह करती है, इतना दिन भर रात भर हर समय संग्रह करती रहती है, लेकिन उसको चींटी खा नहीं पाती, उसको दूसरे जीव खा जाते हैं। तो चींटी निरंतर काम कर रही थी, तो एक बॉस वहाँ पर आया, उसने देखा कि भाई चींटी को किस तरीके से डबल काम कराया जाए। चींटी रेस्ट करती है, चींटी लापरवाही करती है काम में, तो बड़े बड़े उसने एम्प्लॉई हायर किए कि भाई आप चींटी का काम का ध्यान रखें, इसके घंटे लिखें, इसकी मिनट लिखें, इसकी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ाएं। एक मैनेजर बिठा दिया चींटियों को, मैनेजर बैठ गया, मैनेजर ने रिपोर्ट बनानी शुरू कर दी कि चींटी तेज़ी से नहीं दौड़ती, चींटी सामान कम लेके जाती है, ज़्यादा सामान ले जाना, चींटी छोटे छोटे टुकड़े उठाती है, बड़े बड़े टुकड़े ले जाने चाहिए। उसने एक रिपोर्ट बना करके बॉस को दे दी कि चींटी से इस तरीके के काम लिए जाए। तो उन्होंने कहा फिर ये काम लेगा कौन? कि जी सुपरवाइज़र भर्ती करे जाएं चींटियों के ऊपर, जो चींटियों के काम कराएंगे। तो अब कौन हो गया? एक मैनेजर हो गया और सुपरवाइज़र भर्ती कर दिए, तो चींटियों के ऊपर ही काम चल। चींटियों के ही दिक्कत आ रही थी, चींटियां ही काम कर रही थी, चींटियों के ऊपर सुपरवाइजर था, चींटियों के ऊपर मैनेजर था, चींटियों के ऊपर मालिक था, लेकिन चींटियां अपना निरंतर काम कर रही थी। चींटी के नेचर है काम करना, मेहनत करना, लेकिन सुपरवाइजर का नेचर नहीं है। सुपरवाइजर का मतलब है कि बातों में कोई ना कोई अड़चन देना, और मैनेजर को क्या है? रिपोर्ट बनानी। तो लास्ट में जब खर्चे बढ़ गए, मैनेजर का खर्चा बढ़ गया, सुपरवाइज़र का खर्चा बढ़ गया, तो मालिक ने हिसाब लगाया कि भाई ये तो आमदनी तो कम हो रही है और खर्चा ज़्यादा हो रहा है, अब छटनी करनी पड़ेगी। तो मैनेजर से रिपोर्ट मांगी, तो मैनेजर ने रिपोर्ट बना के दी कि चींटियों को कम किया जाए, नौकरी से चींटियों को निकाला जाए। जो सारा काम कर रही थी, अगर छटनी की बारी भी आती है तो चींटी को निकाला जाता है, ना कि जो खाली बैठ करके रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, जो सुपरविजन कर रहे हैं, उनसे कोई कुछ नहीं कहता। वही हमारे देश की हालत है। जो मजदूर, जो किसान, जो हमको आपको हमारी इकोनॉमी की रीढ़ है, उसके लिए जो कार्य कर रहा है, उसी पे कष्ट दे रहा है। कोरोना रोग लेके कौन आया? ना मजदूर लाया, ना किसान लेके आया। कोरोना रोग को भी जो विदेशों में जाकर के
काम करते हैं वो लेके आए, और भुगतना किसको पड़ रहा है, चलना पड़ रहा है मजदूर को, किसान को, आम आदमी, घरों में बंद होकर के भूखा कौन मर रहा है, आम आदमी, ना वो रईस आदमी जो कोरोना रोग को लेकर के आए वो मर रहे, और ना कोई नेता मर रहा, ना कोई धनाढ्य उद्योगपति मर रहा। और मजे की बात देखिए कि लॉकडाउन खुलेगा और उस लॉकडाउन मरेगा या संक्रमित होगा तो वो मजदूर और आम आदमी होगा, क्योंकि उद्योगपति, बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े पैसे वाले, वो सब तो सेफ्टी से रहेंगे, सैनिटाइजर से हाथ धोएंगे, मास्क लगाएंगे, 6 फुट की दूरी से रहेंगे, लेकिन जब काम की बारी आएगी, उद्योग की बारी आएगी, काम कराने की बारी आएगी तो सारे रूल रेगुलेशन तोड़ देंगे। अरे मुझे क्या है, यही तो मरेंगे, यही तो बीमार होंगे। पैसा किससे लिया जा रहा है टेस्टिंग का, मजदूर से, आम नागरिक से, क्या किसी नेता से या उद्योगपति से लिया जा रहा है? नहीं। हजारों लाखों करोड़ की घोषणाएं हो रही हैं, वो कहाँ जाएंगे वो पैसे, क्या मजदूर तक पहुंच पाएगा पैसा? ये बात अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप इसको इतना शेयर करेंगे कि ये सरकार तक पहुंच जाए ये हमारी आवाज़। भ्रष्टाचार होगा इन पैसों के अंदर, और जिसके लिए ये आवंटित हो रहा है उसके पास नहीं पहुंच पाएगा, ये लिमिटेड लोगों के पास रह जाएगा। तो भ्रष्टाचार हमारी रगों में बस चुका है, हमारी सोच में बस चुका है, इसको हमें निकालना पड़ेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी। आप आवाज़ उठाएं, और हमने संत सुरक्षा मिशन के अंदर भ्रष्टाचार निरोधक प्रकोष्ठ भी बनाया है, आप उसमें जुड़ सकते हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। संत सुरक्षा मिशन दुनिया का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है, हो रहा है, जिस पर सब गौ भक्त हो, धर्म प्रचार वाले हों, लेखक हों, गुरु शिक्षक हो, किसान हो, मजदूर हो, समाज का कोई भी तबका हो, वो इस प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर के अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकता है, जुड़ सकता है, संगठित हो सकता है। तो आप बिल्कुल देरी ना करें, हमारे पोर्टल पर जाएं और अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। जिस भी विचारधारा को लेकर के आप काम करना चाहते हैं उस विचारधारा के प्रकोष्ठ को चुनें और समाज के अंदर काम करने का कार्य करें। भ्रष्टाचार करने वालों को जब तक देशद्रोही नहीं माना जाएगा तब तक भ्रष्टाचार खत्म होने के चांसेस। जिसने भ्रष्टाचार किया, चाहे मैं कर रहा हूं, आप कर रहे हैं, कोई भी कर रहा है, उसके लिए एक लेवल बड़ा सा लिख के जब तक टांका नहीं जाएगा कि वो देशद्रोही है, वो देश के सामान के साथ गद्दारी कर रहा है, देश की एकता और अखंडता के साथ गद्दारी कर रहा है, देश के धन के साथ, देश के विचारों के साथ गद्दारी कर रहा है, उसको देशद्रोह का सजा मिलनी चाहिए, तो कुछ कम हो सकता है। जब तक डर नहीं पैदा होगा, फांसी की सजा तो बहुत छोटी और बहुत घटिया सजा है मेरी नज़रों में। मैं आपकी क्या विचारधारा है उसको नहीं जानता, मेरी नज़रों में फांसी की सजा तो बहुत घटिया है, बहुत शून्य है। मैंने एक पिक्चर देखी थी, उस पिक्चर का जिक्र बताता हूँ। उस पिक्चर को देख के मेरा मन इतना खुश हुआ, उस पिक्चर का भी टाइटल मुझे याद नहीं है। एक जो हीरो होता है वो ट्रक चला रहा होता है और वो शराब पी लेता है। जब शराब पी करके वो ट्रक को चला रहा होता है तो रात के अंधेरे में ट्रक उससे बहक जाता है, और एक किसान अपने खेत में काम कर रहा होता है, उस किसान की मृत्यु हो जाती है।
तो जब किसान की मृत्यु हो जाती है, वो अकेला ही कमाने वाला था, उसकी अंधी माँ थी, बहन थी, बुढ़ा बाप था, पत्नी थी, बच्चे थे, और खेत में वो ही काम करने वाला था। तो जब अदालत उस ट्रक ड्राइवर को पकड़ लेती है तो बड़े 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 वकील आ जाते हैं बचाव के, उसमें बड़े बड़े बुद्धिजीवी अपनी प्रतिक्रियाएं देने लगते हैं। तो एक बहुत समझदार जज था, जज ने जब ये आकलन किया कि मैं इसको 20 साल की सज़ा दे देता हूँ, फांसी की सज़ा दे देता हूँ, तो क्या उससे समाज का भला हो जाएगा? तो जज ने उसको एक ऐसी सज़ा दी, जज ने कहा कि जब तक इस किसान के बच्चे बड़े नहीं हो जाते तब तक तुम जा कर के किसान का काम करोगे और किसान के परिवार का भरण पोषण करोगे। ये सज़ा जब उसको मिली तो उसने जज साहब के सामने हाथ जोड़ के बोला कि जज साहब मुझे ऐसी सज़ा ना दो, मुझे तो जेल भेज दो, वहाँ पर मैं सज़ा काट लूँगा, लेकिन मैं वहाँ कैसे काटूँगा? लेकिन जज ने बोला कि तुझे वही सज़ा मिलेगी, और अगर तू वहाँ नहीं काम करता है, भाग जाता है, तो फिर तेरे को और कड़ी सज़ा मिलेगी। उसको वहाँ गांव भेज दिया जाता है। वो पूरा परिवार को जब पता लगता है कि इसने हमारे, उसकी पत्नी को पता लगता है मेरे पति को इसने मारा है, उसकी बहन को पता लगता है मेरे भाई को मारा है, उसके माँ बाप को पता लगता है, उसके बच्चे को पता लगता है, तो वो सब उससे नफरत करते हैं। लेकिन वो व्यक्ति, मैं आखिर आपको बताता हूँ, वो व्यक्ति इतना समझदार बन जाता है, उस परिवार का भरण पोषण करता है, और आखिर में सब लोग जो उस परिवार के रहते हैं वो अपना बच्चा अपना जिम्मेवार नागरिक समझ करके। तो मेरा भावार्थ ये है, मेरा कहने का अर्थ ये है आपसे कि सजाएं, पता नहीं कितने सालों की पुरानी सजाएं चली आ रही हैं, आज के परिवेश के हिसाब से सजाएं बननी थी। देशद्रोह का एक बहुत बड़ा धब्बा है, उसको अगर सजा देते हैं देशद्रोही कह करके, उस पर आदमी अपने आप को शर्मिंदा महसूस करेगा। तो खैर, बहुत लंबी बात हो गई, भ्रष्टाचार का मामला था, भ्रष्टाचार की बातें जो मेरे दिमाग में आई, मेरे ख्याल में आई, मैंने उठाने की कोशिश की, आपको बताने की कोशिश की। आप भी विचार कर सकते हैं, भ्रष्टाचार की कोई भी खबर आप देना चाहें, आप सहायता करना चाहें, क्योंकि हम 11 सूत्र तैयार कर रहे हैं भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के, तो उसमें आपकी सहायता, आपकी सजेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप दिन रात समाज के बीच में रहते हैं। हो सकता है जैसे हमने 11 सूत्र संतों के तैयार करे थे, 11 किसानों की जो राय आई थी उसके हिसाब से हमने तैयार करे, 11 भ्रष्टाचार के ऊपर हम तैयार कर रहे हैं, उसमें आप सहायता करें। आपके संयम को, आपकी ताकत को, आपकी विचारधारा को मैं नमन करता हूँ, आपके को धन्यवाद देता हूँ कि आपने समय निकाला और मेरी बातों को सुना, समझा, महसूस किया। लेकिन एक मेरी विनती है आप सबसे, मेरी बातों को कतई नहीं माने, ये मेरी पर्सनल विचारधारा है, अगर आपको गलत लगती हैं तो आप कतई इस पर इस्तेमाल ना करें अपने आप को, ना इसमें मोटिवेट करें। अगर आपको ठीक लगती हैं तो इन बातों पर अमल करें, समाज की भलाई के लिए। अगर इनमें से कोई बात काम आ जाए तो मेरा बड़ा सौभाग्य होगा, ये मेरी पर्सनल विचारधारा है। आपसे मैं ये कतई नहीं कहता कि आप मेरी बातें माने, इन पर फॉलो करें, बिल्कुल भी ना करें, आपकी अपनी समझ है, उसके विवेक से, उसके ध्यान से, अपनी विचारधारा से सोच समझ करके अपनी ज़िंदगी को काटें। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ आपको शक्ति दे ईश्वर भ्रष्टाचार से लड़ने की, अपने परिवार को भ्रष्टाचार मुक्त करने की, अपने देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने की,
अपने आप को भ्रष्टाचार मुक्त करने की, अपने आप को वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी सनातन धर्म की विचारधारा है उससे के साथ जीने की, आप अपने आने वाली नस्लों को इस तरीके की शिक्षा दे के जाएँ। मैं उस ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूँ कि वो आपको इतनी शक्ति दे, आपको स्वस्थ रखे, खुश रखे, और आप जो सोचते हैं वो सारे कार्य आपके पूर्ण हों, ऐसा मैं आपको लिए प्रार्थना करता हूँ। और फिर हम कल मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, एक नई विचारधारा के साथ, नई एनर्जी के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कल आप कोई कल के लिए मुझे राय देना चाहते हैं, कोई टॉपिक देना चाहते हैं, कोई विषय देना चाहते हैं, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिख करके भेजें, जुड़ें। संत सुरक्षा मिशन आपका अपना प्लेटफॉर्म है, अपना परिवार है, अपना संगठन है, देश का संगठन है, सभ्यता का संगठन है, संस्कृति का संगठन है, और आपको बचाने वाला संगठन है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय संत समाज, आप सबकी जय हो, आप सबकी आत्मा को मेरा नमन। जय संत समाज।